नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कल यानी कि 26 सितंबर को ऐसा क्या हुआ जिसका प्रभाव हमारे ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा पड़ने वाली है। तो दोस्तों, जियो के कारण जो आइडिया वोडा का जो हाल है, एयरटेल का जो हाल है, वो तो हम लोग सभी समझ रहे हैं। जियो से टक्कर लेने के लिए आइडिया वोडा ने जिस प्लान को निकाला, उस वही प्लान एयरटेल ने भी निकाला। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा प्लान है। और इसके साथ साथ भारत सरकार ने जो नए नियम को लॉन्च किया है, जो नया वेबसाइट लॉन्च किया है, उसके तहत 1 करोड़ के लोन को लेने के लिए हमें सिर्फ 1 घंटे लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ अगर आप महंगे हैंडसेट खरीदने वाले हैं तो प्लीज़ ना खरीदें। क्यों ना खरीदें वो मैं आपको आज बताऊँगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आइडिया और वोडाफोन ने जिस प्लान को निकाला है, जो डेटा प्लान उन्होंने निकाला है, सेम प्लान को एयरटेल ने भी कॉपी किया है। जी हाँ दोस्तों, 6 नए पैक बनाए गए हैं, 6 नए टैरिफ बनाए गए हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और पूरी तरह से कॉपी किया गया हुआ एयरटेल में भी, लेकिन क्या जियो को ये टक्कर दे पाएगी, ये तो समझने वाली बात है। चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि वे प्लान जो है वो कौन कौन से हैं और उससे आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल के द्वारा जो प्लान बनाए गए हैं वो किस प्रकार से हैं। जो पहला प्लान है वो है 25 रुपये का, जिसमें 18 का टॉक टाइम आइडिया वोडाफोन में और एयरटेल में 18.69 रुपये का दिया जा रहा है, 10 MB डेटा 28 दिनों के। ये जो दूसरा प्लान है वो है 35 रुपये का, जिसमें 26 का टॉक टाइम आइडिया वोडाफोन में और 26.6 रुपये का टॉक टाइम ये एयरटेल में दिया जा रहा है, 100 MB डेटा और 28 दिन की वैलिडिटी के साथ। और जो तीसरा प्लान है वो है 65 रुपये का, जिसमें कि फुल टॉक टाइम 200 MB डेटा 28 दिनों के लिए दिया जा रहा है। अगर कॉल रेट्स की बात करें तो लोकल स्टेडी लैंडलाइन के कॉल रेट्स यूपी वेस्ट में 1 पैसा पर सेकेंड और पंजाब तमिलनाडु में 60 पैसा पर मिनट के हिसाब से दिया जा रहा है। और जो चौथा है वो है 95 रुपये का फुल टॉक टाइम है आइडिया वोडाफोन और एयरटेल में, 500 MB डेटा और 28 दिन की वैलिडिटी के साथ। जो कॉल रेट्स हैं वो यूपी वेस्ट में 1 पैसा पर 2 सेकेंड और तमिलनाडु पंजाब में 30 पैसा पर मिनट के हिसाब से। पांचवा प्लान जो है वो है 145 का, जिसमें फुल टॉक टाइम दिया जा रहा है, 1 GB डेटा और 42 दिन की वैलिडिटी के साथ। कॉल रेट्स और टैरिफ वो पुराने में जो थे वही हैं, 1 पैसा पर 2 सेकंड यूपी वेस्ट में और तमिलनाडु पंजाब में 30 पैसा पर मिनट। और जो छठा है वो है 245 रुपये का फुल टॉक टाइम, 2 GB डेटा और 84 डेज की वैलिडिटी के साथ। आइडिया वोडाफोन और एयरटेल सभी में ये मान्य है। चलिए, समझने वाली बात है कि आइडिया वोडाफोन और एयरटेल ने जिस प्लान को निकाला वो कितना सक्सेसफुल हो पाएगा, क्या वो जियो को टक्कर दे पाएगी, ये तो समय ही बताएगा। तो दूसरी सबसे बड़ी खबर है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि 2019 में जो खबरें आई हैं, जो खबरें सामने आई हैं, 2019 में 5G लॉन्च होने वाला है। तो जो भी महंगे फ़ोन आप, महंगे हैंडसेट इस दिवाली में आप खरीदने वाले हैं तो उसे अवॉइड करें। क्या पता वो 4G हैंडसेट 5G में कन्वर्ट हो या ना हो, इसके बारे में कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं मिली है, इसके बारे में कोई क्लेरिफाई नहीं हुआ है किसी कंपनी के द्वारा। इसलिए आप समझ बूझ के फ़ोन को खरीदें। अगर आपके पास बजट ज़्यादा तो ठीक है, अगर बजट कम है तो फिर सस्ते फ़ोन को ही लें, ताकि आपका काम 1 साल तक चल जाए और 2019 के 3-4 महीने के बाद 5G लॉन्च हो जाएगी पूरी तरह से। जियो का तो काम भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो 5G की सुविधा हमें देखने को मिलेगी। इसलिए हैंडसेट को, कीमती हैंडसेट को खरीदने से अवॉइड करें। तीसरी सबसे बड़ी जो प्रमुख खबर है वो बहुत ही बड़ी है। जी हाँ, 1 करोड़ के लोन को लेने के लिए, 1 करोड़ तक के लोन को लेने के लिए हमें अब किसी भी बैंक के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। 5 बैंकों से टाई अप करके भारत सरकार ने, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल 26 तारीख को एक वेबसाइट लॉन्च किया है, जिसके द्वारा हम सिर्फ 1 घंटे के अंदर लोन के अप्रूवल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और लगभग 7 से 8 दिन के जो वर्किंग डेज है, 7 to 8 working days के अंदर हमें लोन मिल जाएगी। तो ये जो वेबसाइट है इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने लोन स्टेटस को समझ सकते हैं,
जो वेबसाइट है इसका नाम है psblonesin59minutes.com। ये 26 सितंबर को 12:30 बजे रात के बाद से ये वेबसाइट शुरू हो चुकी है और इसके माध्यम से आप 1 करोड़ तक के लोन की जो अप्लाई हैं वो घर बैठे कर सकते हैं। डिजिटली इंडिया का ये बहुत बड़ा उदाहरण है, हम लोग डिजिटल हो रहे हैं और ख़ासकर ये बैंक चक्कर को काटना ये बहुत बड़ी मशक्क़त वाली वाला काम था और इसके बावजूद लोग बैंक जाते थे जिनको ज़रूरत होती थी और 1-2 महीने बाद उन्हें पता चलता था कि उनके लोन का अप्रूवल उन्हें नहीं मिला है, तो ये अब प्रॉब्लम नहीं होगी उनके साथ। उन्हें यह भी बता दिया जाएगा कि आखिर क्यों अप्रूवल नहीं मिला है, तो लोगों के लिए बहुत ही सुविधा होने वाली है, अब बिजनेस करना हमारे इंडिया में आसान हो रहा है। तो चलिए दोस्तों कुछ लुक को मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं टाइप करता हूँ psblonesin59minutes.com करके, ये देखिए ऐसे साइन अप करना पड़ता है। इसे ओपन करने के बाद देखिए, चलिए देखते हैं क्या होता है। महात्मा गांधी जी, इसके बाद एग्जिस्टिंग बिजनेस लोन, देखिए हैव टू अप्लाई इंटरेस्ट रेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 8%। देखिए न्यू बिजनेसमैन के लिए फिलहाल अभी कुछ नहीं डाला हुआ है, एग्जिस्टिंग बिजनेस इसका बिजनेस चल रहा है। उसे GSTR की इन्फॉर्मेशन, जो ITR का इन्फॉर्मेशन, करेंट अकाउंट का इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा और इसके बाद 1,000 रुपये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको पे करना होगा जिससे कि आपके प्रोसेस को बढ़ाया जा सके। ये देखिए इसमें आपको इंडिविजुअल नेम नाम को भरना पड़ता है, ईमेल आईडी को भरना पड़ता है, फ़ोन नंबर को डालना पड़ता है। इसके बाद आपको एक OTP आएगी और OTP को टाइप करने के बाद आप आगे के प्रोसेस में जा सकते हैं। OTP अगर आपके मोबाइल में आ जाते हैं तो उसके बाद आप आगे एक प्रोसेस को कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन को डालकर आप प्रोसीड कर लें, 1 घंटे के अंदर आपको जवाब आ जाएगा कि आपका लोन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। आशा करता हूं दोस्तों मैंने जो आपको जानकारी दी उस जानकारी से आप बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे और उसका बहुत फ़ायदा उठाएंगे। खासकर ये जो psblonesin59minutes.com की जो सुविधा भारत सरकार ने प्रोवाइड किए हमारे लिए, ये बहुत ही बड़ी सुविधा है और इसका फ़ायदा हमें जल्द से जल्द लेनी चाहिए। बैंकों के चक्कर तो अब नहीं काटने पड़ेंगे जहाँ तक मुझे लगता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार की जो ये जो नई जो स्कीम है ये जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो और इसका फ़ायदा सभी बिजनेस मैन को हो, जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको हो और हमारा इंडिया आगे बढ़े। चलिए दोस्तों अगले एपिसोड में मिलते हैं, और तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।